वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुरादाबाद, पुलिस अधीक्षक नगर, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण ने अन्य अधिकारी गणों के साथ कांवड़ियों पर बरसाए फूल एवं थाना कटघर पर आयोजित भंडारे में कांवड़ियों को किया गया प्रसाद वितरण। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुरादाबाद द्वारा कांवड़ यात्रा के दृष्टिगत कांवड़ रूट का भ्रमण कर यातायात व सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया तथा अन्य अधिकारी गण के साथ हाईवे से गुजरने वाले कांवड़ियों के समूह पर पुष्प वर्षा की गई एवं कांवड़ियों से संवाद कर कुशल क्षेम पूछा गया। तत्पश्चात सावन माह के पावन अवसर पर कांवड़ यात्रा के दृष्टिगत कांवड़ियों के जल पान के लिए थाना कटघर पर पुलिस की ओर से आयोजित भंडारे का वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुरादाबाद हेमंत कोटियाल द्वारा दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया गया तथा पुलिस अधीक्षक नगर, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व अन्य अधिकारी गण के साथ भंडारे में कांवड़ियों का स्वागत कर प्रसाद वितरण किया गया। इस अवसर पर क्षेत्र अधिकारी कटघर, क्षेत्र अधिकारी कोतवाली, क्षेत्र अधिकारी अपेक्षा निम्बाड़िया, थाना प्रभारी कटघर, अन्य अधिकारी गण व कर्मचारियों ने कांवड़ियों को प्रसाद व भोजन करवाकर सेवा की। देखिए सावन का तीसरा कल सोमवार, परसों सोमवार है और श्रीकुल कांवड़िया बड़ी संख्या में ब्रजघाट से और हरिद्वार से गुजर रहे हैं। काफ़ी मौसम भी थोड़ा ख़राब है और काफ़ी दूर से आ रहे हैं, ये लोग थके हुए हैं। इनके यहाँ पर पुलिस मुरादाबाद पुलिस के द्वारा इनके विश्राम की और इनके भोजन की व्यवस्था की गई, एक भंडारा का आयोजन किया जा रहा है इनकी यात्रा को सुखद बनाने के लिए, सुगम बनाने के लिए। और हमारा प्रयास है कि इन लोगों के साथ हम लोग जुड़ सकें और अपना कुछ योगदान इनको दे सकें, उसी में ये एक प्रयास है मुरादाबाद पुलिस की तरफ। सर कांवड़ यात्रा भी है, लेखपाल की परीक्षा भी है, क्या रूट डायवर्जन भी किया गया है? जी, रूट डायवर्जन हमारा क्योंकि पहले से ही चल रहा है कांवड़ियों की सुरक्षा के दृष्टिगत रखते हुए, तो इस संबंध में हम लोगों ने कल भी अपील की थी, आज पुनः अपील करते हैं कि जो परीक्षार्थी और उनके अभिभावक यहाँ पर आ रहे हैं वो कोशिश करें कि सार्वजनिक वाहनों से आएँ। अपने व्यक्तिगत वाहनों से आने पर रोड पर प्रेशर बढ़ेगा और जाम की स्थिति पैदा हो सकती है। जितना संभव दोपहिया वाहनों से अगर आ सकते हैं तो दोपहिया वाहन का इस्तेमाल करें अथवा सार्वजनिक वाहनों का इस्तेमाल करें। अपने व्यक्तिगत चार पहिया वाहनों को अवॉइड करने की कोशिश करें।